एक ऑटो ड्राइवर की बेटी रक्षा गुप्ता कैसे बनी भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपरहिट हीरोइन। जी हाँ, इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे रक्षा ने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा और खेसारी के साथ काम करके छा गईं। दरअसल रक्षा बिहार के मोतिहारी गांव से हैं। गांव से निकलकर मुंबई जितने बड़े शहर में नाम कमाना रक्षा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। रक्षा ने बहुत स्ट्रगल किया है क्योंकि इनका बैकग्राउंड फिल्मी लाइन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। रक्षा के पापा एक ऑटो ड्राइवर हैं और इनकी माँ हाउसवाइफ हैं। रक्षा चार भाई बहन हैं। रक्षा ने बताया कि मैं ऐसे जगह से आती हूँ जहाँ बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन मेरी मम्मी ने इसका विरोध किया और मैं जो बनना चाहती थी उसके लिए मुझे सपोर्ट किया एक्टिंग और डांस के लिए, और इसके लिए मेरे घर के कुछ सदस्य नाराज हो गए। उन्होंने मेरे मम्मी पापा से बात करना तक बंद कर दिया था, लेकिन मेरे मम्मी पापा अड़े रहे, जिसके बाद मैं मुंबई आ गई। रक्षा शुरू से ही डांस करती थी। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी को देखकर डांस करना सीखा और उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि वो डांसर बनेंगी। तब रक्षा को एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने एक्ट्रेस बनने का सोचा भी नहीं था। रक्षा ने नच बलिए सीजन 6 से अपने करियर की शुरुआत की और सेकेंड रनर अप भी रही। इसके बाद रक्षा ने थिएटर ज्वाइन किया और 2 साल तक दिल्ली में थिएटर किया। थिएटर के बाद रक्षा ने भोजपुरी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया और यहाँ रक्षा की किस्मत ने उनका बहुत साथ दिया और रक्षा को जुबली स्टार निरहुआ की फिल्म ठीक है में लीड रोल में कास्ट कर लिया गया, और इसके बाद रक्षा को भोजपुरी में एक के बाद एक काम मिलते चला गया। इसी के साथ रक्षा को खेसारी के साथ काम कैसे मिला इसका भी खुलासा रक्षा ने किया। रक्षा ने बताया कि खेसारी आरा में दोबारा फिर वैभू ना गाने की शूटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे थे, जहां मैं उनसे सिर्फ मिलने के लिए पहुंची थी और खेसारी जी से सिर्फ मेरी बातचीत हुई और खेसारी जी ने मुझे अगले ही दिन शूटिंग पर बुला लिया। तो जी हाँ, ऐसे खेसारी ने खुद ही रक्षा को काम करने का मौका दिया और आज रक्षा भोजपुरी की उभरती कलाकार हैं। वेल, आप सभी को रक्षा गुप्ता कैसी लगती हैं बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।